की कुछ खास खबर। नागपुर में अंबाजरी तालाब पर छठ पर्व पर उमड़ी आस्था। सूर्य उपासना के सबसे बड़े पर्व छठ का शनिवार को उल्लास छाया रहा। तोरण और ध्वज पताकाओं से सुसज्जित तालाब के घाटों पर छठ व्रतियों ने छठी मैया की पूजा अर्चना कर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। पूरे भारत में यह छठ पर्व मनाया गया। वहीं ऐसा ही नजारा नागपुर के अंबाजरी तालाब में देखने को मिला। घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने उपासना की। रविवार को उगते आदित्य को अर्घ्य देने के साथ इस पर्व का समापन किया। वहीं छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना की, जहां छठ पूजा पर सेवा समिति उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर नागपुर में ही 20,20,000 का खाद्य तेल जब्त। FDA ने लकड़गंज के दीक्षिता व जेठानंद कंपनी में कार्यवाही की। FDA ने शुक्रवार को लकड़गंज के CA रोड अंबेडकर चौक स्थित दो ट्रेडिंग कंपनियों और एक तेल टैंकर पर कार्यवाही कर मिलावट के संदेह में 24,096 किलो खाद्य तेल जब्त किया। इस तेल की कीमत लगभग 20,20,770 रुपए है। वही कानून का उल्लंघन होने के कारण जब्त FDA के सह आयुक्त चंद्रकांत पवार के अनुसार संबंधित खाद्य तेल पैकेजिंग कंपनियों के मालिकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया। पैकेजिंग कंपनी होने के बावजूद प्रयोगशाला नहीं थी। वहीं मिली जानकारियों में कंपनियों के भीतर गंदगी भी थी। वहीं व्यापारियों के समर्थन में भाजपा नेता सामने आए। इन खाद्य तेल ट्रेडिंग कंपनियों में अस्वच्छता और नियमों के खिलाफ पैकेजिंग होने की शिकायत शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश जाधव और अन्य पदाधिकारियों ने की थी। वहीं दूसरी ओर नागपुर में ही क्राइम ब्रांच ने पाड़ी इलाके से बंटी और बबली को गिरफ्तार किया। मामला सोने के सिक्के का झांसा देकर 8 लाख की ठगी। पाड़ी इलाके में बुलाकर एक पटाखा विक्रेता को 8 लाख रुपए में प्राचीन सोने के सिक्के बेचकर ठगने की योजना बनाने वाली बबली और बंटी की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कारगर साबित हुई क्राइम ब्रांच की योजना। क्राइम ब्रांच की टीम ने योजना बनाकर मनोज के माध्यम से आरोपियों से सोने के सिक्के की 8 लाख रुपए में खरीदी का सौदा किया। आरोपियों को शुक्रवार की दोपहर में सोने के सिक्के लेकर पाड़ी बाजार के पास बुलाया गया, जहां नकली सिक्के फरियादी को सौंपते ही आरोपियों को पुलिस दल ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।